व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे हम माइक्रोवेव में दही जमा सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में हमारा एक ही प्रॉब्लम होता है कि दही जमाना, कैसे हम जमाएं। तो मैंने कुछ दिनों से माइक्रोवेव में दही जमाना स्टार्ट ही किया है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं इस हफ्ते सोच रही हूँ कि माइक्रोवेव मील पे सीरीज में लाऊ। सो माइक्रोवेव सीरीज के पहला एपिसोड है, सो पहला वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया है, जो मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हो बहुत मलाई है, तो आप अगर मलाई वाला दही पसंद करते तो आप मलाई भी डाल सकते हैं दही में जब जमाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली मलाई पसंद नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा माइक्रोवेव को प्रीहीट करना। तो चलिए, जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक हम माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेते हैं। चलिए, मैं अब माइक्रो में 360 डिग्री में इसको प्रीहीट करूंगी 8 मिनट के लिए। अगर आपके पास प्रीहीट ऑप्शन है पहले से माइक्रो में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। सो अब मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। चलिए, इसको प्रीहीट होने देते हैं, देखते हैं दूध गर्म हुआ है नहीं। सो अब मेरा दूध गर्म हो चुका है, सो हमें इसको उतना गर्म नहीं करना होगा, जो उबाल आ जाए इस तरफ से, थोड़ा सा गर्म होने से ठीक है। अगर आप इस दूध को रिड्यूस करना चाहते तब तो उबालना ही पड़ेगा। सो अब हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, इतना ठंडा करेंगे जैसे हम इसके अंदर अगर हम उंगली डुबाए तो हम उसका टेम्परेचर सहन कर सके। सो इतना हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है। सो आप देख सकते हैं मेरा दूध ठंडा हो गया, आप देख कैसे सकते हैं। तो आप सो देखिए, मैंने हैंड बिल्कुल वॉश कर लिया है। सो मैं उंगली को घुसा होगी, सो देख रही हूँ मैं टेम्परेचर को सहन कर पा रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। तो अब मैं इस दही को जमाऊंगी। सो आप उंगली घुसाने से पहले आप ये जरूर बात याद रखिए, आपका हैंड वॉश होना चाहिए अच्छी तरह से। तो चलिए, अब हम दही जमाना शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। सो अब हम इसमें हमारा जो दूध था जो हमने ठंडा कर लिया है, सो अब हम इस उस बोल के अंदर दूध डालेंगे। इतना ही काफी है। अब मैं इसमें ये जो दही है ये डाल दोगे, जमा हुआ दही है। सो इतना ही काफी है हमारे दही जमाने के लिए। सो इसको हम डाल देंगे। अच्छी तरह से हम थोड़ा सा मिला लेंगे। तो लीजिए, हमारा मिल्क तो बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। चलिए, अब हम प्रीहीटेड ओवन में इसको तो लीजिए, हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए, अब हम हमारा दही को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। अभी तक जमा नहीं है। अब कोई भी प्लेट से इसको ढक सकती है, जरूरी नहीं है माइक्रोवेव वायर ही होना चाहिए, क्योंकि हम माइक्रोवेव को चला नहीं रहे थे। सो हमने सिर्फ इसको गर्म किया हुआ है प्रीहीटेड, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा वार्म रहने के लिए।
सो अब जिसमें बर्तन में दही जमा रहे हो वो भी जरूरी नहीं है माइक्रोवेव वायर, आप कोई भी ग्लास वायर से में भी इसको बना सकते दही जमा। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं। और आपके पास कोई भी टॉवल हो, फेस टॉवल हो या फिर हैंड टॉवल हो, उस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ढक देंगे तो इससे क्या होगा, बहुत पूरा का पूरा वार्म रहेगा इसका चारों ओर। सो चलिए अब जल्दी से इसको लगा देते हैं। सो ओवर नाइट हम इसको ऐसे ही रख देंगे, इसके बाद सुबह हम देखते हैं हमारा दही जमा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा दही कितने अच्छी तरफ से जम गया है। तो इसका पानी भी अलग हो चुका है दही दूध में जो पानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जमा है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरफ से जम गया है हमारा दही। तो आप भी मेरे तरफ इसी तरफ से आप भी दही जमा सकते हैं विंटर सीजन में। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रेसिपी। सी यू नेक्स्ट टाइम।